गोट फार्म के बारे में। इस गोट फार्म का नाम है एएसके गोट फार्म, श्री राम फार्मिंग के तहत आता है, जो कि रजिस्टर्ड फार्म है। ये जो है सुल्तानपुर से जो है 8 किलोमीटर दूर है, इलाहाबाद रोड हाईवे के बगल है, हाईवे यहाँ से 200 मीटर है। ठीक, यहाँ पर जो है जैसे गोट फार्म शुरू करने के लिए जो है आपको पहले क्या ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक की। ले लिए, इसके बाद हमको कम पैसे में जो है इसका शेड बनाना रहता है, तो हम शेड ऐसे बनाए हुए हैं जो है, शेड जो है 15x30 का शेड है, इसमें से हम एक ऑफिस निकाले हैं, एक जो है स्टोर रूम निकाले हैं। ये अभी जो है इसी में जो है ब्रीड वगैरह रहती है, जो हमारे पास इस समय जो है 35 के आसपास जो है जानवर है। ठीक, आइए आपको दिखाते हैं शेड का निर्माण कैसे करें, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं रहती। देखिए ये है जो है कमरा, इसमें हम लोग बकरी को रखते हैं। बकरी जो है इस समय है हमारे पास ब्लैक बंगाल हैं, देसी हैं, दो पे अभी काम कर रहे हैं, आगे जो है हम अफ्रीकन बोर पे काम करने वाले हैं, इसमें आकर रहती हैं, अभी चराई पर गई हुई हैं और इसमें भी रहती हैं, रात में हम जो है इसमें रख देते हैं। और इस देखिए इसको जो है हम ईंटे से बनाए हुए हैं, इसमें ज़्यादा खर्चा ना करते हुए हम इसको पहले जो है कच्चे गारे से किए थे, बाद में इसको हम पक्का कर दिए, 4 इंची की दीवार ली है। और देखिए ये जो है चद्दर रखवा दिए हैं, पाइप लगा दिए हैं, कम से कम पैसे में हम तैयार कर दिए हैं। अब हमारे पास पहले जो है हम 4 जानवर से शुरू किए थे, अब आज के पास जो है 35 के आसपास हमारे पास हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जो है हम बाउंड्री किए हैं, बाउंड्री जो है बाउंड्री में ज़्यादा खर्चा ना करते हुए हम बांस से जो है सारा चीज़ बनाए हुए हैं, इससे जो है बन्ना बकरी बाहर आ पाए ना अंदर जा पाए, जो है अंदर कर देते हैं तो अंदर रहती है, बाहर कर देते हैं बाहर रहती है। अभी जो है बाकी निर्माण हमारा और आगे चल रहा है, जो आगे हमको बनाना है वो जो है 135x20 का हम बना रहे हैं, जो कि हमारा 5000 स्क्वायर फीट के आसपास जो है बना रहे हैं, 100+5 बकरी पे हम काम कर रहे हैं। ये जो है स्कीम एनएलएम स्कीम के तहत है, इसके गाइडलाइन के हिसाब से जो है हम आगे निर्माण कर रहे हैं। ठीक, और आपको जो है कम पैसे में अधिक से अधिक काम करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है सारा सेट हमारा तैयार हो गया है, बाकी सब चल रहा है। अब इनको खिलाने के लिए जो है हम नेपियर घास बनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, हरा चारा में जो है हम पेड़ के पत्ते जो है लगाए हुए हैं। देखिए कटहल का पत्ता है, कटहल का पेड़ है, इससे जो है इनको जो है हरा चारा की व्यवस्था करते हैं, ये हरा चारा जिसमें जो है हमारे पास 30-35 पेड़ के आसपास जो है सारी चीज़ है। ये हमारी जो है पानी पीना होता है, फिर हम पानी भर देते हैं, इससे जो है वो लोग अपना पानी आराम से पी लेते हैं। आगे देखिए हम जो है हरी घास लगाए हुए हैं, ये जो है हरा चारा है, ये जो है नेचुरल घास में आता है, नेचुरल घास है, इसमें देखिए इतना इसका मुलायम सॉफ्ट है कि जो है इससे बकरियाँ आसानी से खा लेती हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे जो है हमारे पास इतना सारा लगा है।